ऐसे शायर को बुलाता हूं जो आज के अहद में हमारे आसपास के माहौल में से गजल के लिए नए नए मजामीन तलाश करता है और उन्हें बड़े सलीके के साथ अपनी गजल का हिस्सा बनाता है। इस्तकबाल कीजिए मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर जनाब खुर्शीद हैदर का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कभी खामोशी से कभी शोर मचा के। तो लड्डू भाई, यूं तो रुख से आया नहीं होता, यूं तो रुख से आया नहीं होता, दर्द लेकिन कहां नहीं होता। अरे वाह 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 वाह, यूं तो रुख से आया जौहर भाई, यूं तो रुख से आया नहीं होता, दर्द लेकिन यूं तो रुख से आया नहीं होता, दर्द लेकिन कहां नहीं होता, दर्द लेकिन कहां नहीं होता। जाहिर है मखसूस जगह इनके याद रहती हैं लड्डू भाई के बात। लेकिन शेर सुनिए लड्डू भाई कि दर्द लेकिन कहां नहीं होता, किसकी हिम्मत तिलब कुशाई की, किसकी हिम्मत तिलब कुशाई की, मैं अगर बेजुबान नहीं होता। वाह 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 वाह, किसकी हिम्मत थी लब कुशाई की, मैं अगर बेजुबान नहीं होता, दिल ने तो सर कटा दिए होते, दिल ने तो सर कटा दिए होते, जहनगर दरमिया नहीं होता। वाह 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 वाह, जहनगर दरमिया नहीं होता, दिल ने तो सर कटा दिए होते, जहनगर दरमिया नहीं होता। हजरत मुसलसल मेरी हाजिरी रही है इस दयार में मोहतरम अनवर महमूद साहब के हवाले से, तो मैं सोचता हूँ ये पर्ची इस बात की दलील है कि मैं कुछ ताज़ा शेर आप हजरत की खिदमत में पेश करूँ। मुलाहिजा फरमाएं, जरा सा मुझे इजाज़त दें ताकि मैं गजल पढ़ सकूँ। दोस्तों मुलाहिजा फरमाएं, पढ़िए भाई पढ़िए, मुलाहिजा फरमाएं, ये ताज़ा शार, थोड़ा इजाजत दे दें, थोड़ा कुर्ब जवार के सामने यहाँ तशरीफ फरमा है। ये बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ इमरान, मैं ताज़ा शेर सुना रहा हूँ, तुम कौन है, ताज़ा सुनाओगे इंशाल्लाह, बिल्कुल यहीं से चला कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए हजरात, मतला हाजिर खिदमत है, बिल्कुल ताज़ा, मैं यहीं से इब्तदा कर रहा हूँ इस ताज़ा गजल की। मतला आप तक पहुँच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। बेटे चाय वाले बैठ जाओ भैया, बैठ के सुन कर लो। देखिए बिल्कुल ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए के अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, वाह वाह वाह, अगर लहजे में खुददारी नहीं क्या है, क्या कहना अगर लहजे में खुददारी नहीं है। वो शायरी इशारे कनाओं का नाम है, मुलाहिजा फरमाए मतला और हाजिर करता हूँ, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहना यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। बस शेर हाजिर करता हूँ लड्डू भाई, तवज्जो देगी तवज्जो सुनिएगा, मैं ताज़ा शेर हाजिर करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मुशायरा बनाए आपसे भी गुजारिश करता हूँ, और डाइस से खासतौर से तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा मुलाहिजा फरमाए, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है,
मेरा किरदार बाजारी नहीं है। और मुलायदा फरम हजरत, ये मिसरा जो है खासतौर से मुलायदा फरम हमारे शोरा ग्राम कुछ इसमें तलाश करेंगे, लेकिन सानी मिसरा खास तौर से कि मेरा किरदार बाजारी नहीं है, उधर तलवार मांझी जा रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। बहुत शुक्रिया हजरत। इधर कोई भी तैयारी नहीं है, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। वाह वाह वाह। नदीम खुर्शीद हैदर साहब, हमारी सूबाई हुकूमत में उत्तर प्रदेश हुकूमत के बहुत ही हरदिल अजीज मंत्री और इस इलाके की नुमाइंदगी बहुत जिम्मेदारी के साथ करने वाली शख्सियत डॉक्टर एसपी यादव जी हमारे बीच मेहमान इम्तियाज के तौर पर मौजूद हैं। यह हमारी खुशनसीबी है और उनकी उर्दू दोस्ती का सबूत है कि वो रात के इस आखिरी पहर में भी हमारे साथ उर्दू की इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं। उर्दू वालों की जिम्मेदारी बनती है उर्दू से मोहब्बत करने वालों की कि उर्दू दोस्ती में एसपी यादव जी तमाम सफ़र की सहूबतें बर्दाश्त करके यहाँ पहुँचे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बार फिर जी खोल कर अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। जनाब एसपी यादव, हमारे मेहमान इम्तियाज आज की रात हमारे बीच। बहुत बहुत अच्छा। मैंने ताज़ा शेर सुनाने की कोशिश की लेकिन आप पता नहीं कहाँ महवे गुफ्तगू हो गए, तो बहरहाल आपकी कोई मजबूरी रही होगी। ये दो शेर पढ़ के दीजिए, मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलायदा फरमाए कि जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, जिसे मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। और ये शेर भी मुलायदा फरमाए हजरत के अवामी अवामी दर्द है मेरी गजल में, कोई भी शेर दरबारी नहीं है, कोई भी शेर दरबारी नहीं है, कहाँ रखूं मोहब्बत के सहीफे, कोई महफूज अलमारी, कोई महफूज अलमारी नहीं है, कोई महफूज अलमारी नहीं है। असल में कभी कभी ताज़ा शेर ज़ाया हो जाते हैं, कभी कभी तवज्जो नहीं हो पाती। मैंने कोशिश की कि ताज़ा शेर जो कुर्ब जवार में, क्या मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं पढ़े, इस गज़ल की इब्तिदा मैंने आपके मुशायरे से की है। कोशिश करूँगा कि कहीं और भी काम आ जाएं। हमारे हरदिल अजीज़ जो लीडर हैं, नेता जी, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अब मैं सोचता हूँ आपको मुशायरा सुना दूँ और चला जाऊँ, चंद शेर हाजिर कर। हाँ, सुनाइए सुनाइए। अब देखो, मैंने जो पढ़ना था पढ़ दिया, अब लीजिए मुशायरा सुन लीजिएगा। मतला बहुत ख़राब मतला है लेकिन आवाम का मिजाज मुलायदा फरमाए। इरशाद, एक मतलब उससे पहले मतलब पढ़ देता हूँ कि साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है, साए को तो साए को एक पेड़ लगाने में भी दुश्वारी है, साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है। वाह। इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है, वाह वाह वाह। इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है। अब ये मैं मतला पढ़ता हूँ इस हवाले से कि मोहतरम अनवर महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमाए और हमारे आज के जो कैबिनेट मंत्री हैं ये भी तशरीफ़ फरमाए। मैं इनके हवाले से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझदार हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। मुलायदा फरमाए के इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है, इनको वादे याद दिलाना
सबसे बड़ी दुश्वारी है। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। वाह बाबा, ये भी ठीक है। इन्हें खास शिकायत है किसी से शायद। अपने देश के नेताओं को भूलने की कभी कभी मजबूर होना पड़ता है ऐसे शेर सुनाने के लिए, मैं पसंद नहीं करता अब के। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दोस्तों इसमें एक शेर पढ़ता हूँ, शायद आप तक ना पहुंचाओ। सुनिए चेयरमैन साहब, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दारू दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। क्या कहना क्या कहना, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है। हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी। वाह वाह वाह। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है।